आज हम बनाएंगे बची हुई चपाती से स्वादिष्ट नमकीन चूरमा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थानी रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। नमकीन चूरमा बनाने के लिए हमने यहाँ ली है 5 बची हुई चपाती, 2 छोटी चम्मच तेल, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, आधी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 2 कली लहसुन की, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। सबसे पहले हम इन चपाती को एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें बंद चालू करके पीसना है। तो देखिए, इसे हमें इतना ही पीसना है, इसे ज्यादा हमें बारीक इसको नहीं करना है, हल्का सा हमें इसे दरदरा ही रखना है। अब हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें हम तेल डाल के तेल को अच्छा गरम कर लेंगे। गरम तेल में हम जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगे तब इसमें हमने जो लहसुन लिया था उसको हमने कूट लिया है, वो लहसुन हम इसमें डाल देंगे। इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज जब हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ ही हमें नमक ऐड करना है। नमक की क्वांटिटी हमें उस अकॉर्डिंग रखनी है क्योंकि चपाती में भी नमक होता है। सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हल्का सा क्रंची टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। अब इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो देखिए, मसाले सारे पक चुके हैं। अब इसमें हम वो रोटी डाल देंगे जो हमने पहले से पीस के रखी थी। तो देखिए, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इसमें हम पीसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी हमें एकदम जरा सी डालनी है, चीनी के टेस्ट का पता नहीं चले, इतनी ही चीनी हमें इसमें डालनी है। तो देखिए, इस तरह से नमकीन चूरमा बनकर तैयार है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और हम चूरमा को सर्व करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा बची हुई चपाती का नमकीन चूरमा सर्व करने के लिए तैयार है। बारीक सेव से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। इस तरह से ये रेसिपी आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, आप खाइए और अपने लोग हमसे शेयर कीजिए।